जाएगा कि आया टेबल टॉक से हमारे ये मामलात हल होते नजर आएंगे हमें, तो आपको भरपूर तरीके से आगाह किया जाएगा। और अगर हमें लगेगा कि गवर्नमेंट की साइड से जो नुमाइंदा हैं मलिक अहमद साहब, तो अगर हमें लगेगा कि उनका तर्ज अमल जो है उतना संजीदा नहीं है जितनी संजीदगी उन्होंने तनख्वाह और पेंशन के हवाले से दिखाई है, तो हमारे पाँव में कोई जंजीरें नहीं है कि हम वो जंजीरें अपने पाँव में डाल के बैठे रहेंगे। हम अल्लाह पाक को जवाब दें और आप सबको जवाब दें हैं, हमें किसी भी हुक्मरान की कभी भी हमने उसके कसीदे नहीं गाए, कसीदे नहीं पढ़े। हम उसी वक्त फैसला करके आपको डेट बता देंगे कि अगस्त की फलां डेट को हमारा धरना है, आप सब लाहौर पहुंचो। क्योंकि आप सबको याद होगा कि धरना मुअख्खर किया गया था, धरना खत्म नहीं किया गया था, और जब तक हमारे मुतालबात 100% पूरे नहीं होंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है खुद से भी और आप सबसे भी। और दूसरी बात यह है कि मलिक अहमद साहब ने अगर एक मसला हमारा हल किया, हम उनके शुक्र गुजार हैं, लेकिन कहीं भी से ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई सियासी दीन है या हम कोई सियासी नजरियात रखते हैं। हमारे ना कोई सियासी नजरियात है, ना कोई सियासी लिंग है, ना हमारी किसी के साथ सियासी वाबस्तगी है, ना हम किसी के साथ सियासी वाबस्तगी रखने को अच्छा समझते हैं। हम बिल्कुल अपने पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं। उस सिलसिले में अगर जो भी लोग इस वक्त कुर्सी पर मौजूद हैं, जिनके पास इख्तदार है, जिनके पास इख्तियार है, हम उनके पास पहले भी जाते रहे, अब भी जाएंगे, मसाइल हल करेंगे तो हम उनके शुक्रगुजार होंगे, मसाइल हल नहीं करेंगे तो एक मरतबा फिर ऐलान जंग करेंगे और ऐलान बगावत करेंगे। क्योंकि हमसे शाहों के कसीदे नहीं लिखे जाते, हमसे शाहों के कसीदे नहीं लिखे जाते, हम तो बागी हैं, बगावत पे तुले रहते हैं। हमें क्या जरूरत है हम किसी भी हुक्मरान की हम खुशामद दरामद पे यकीन नहीं रखते। हमें तो जितने भी हकूक मिल रहे हैं हमें मिले कहाँ हैं, हमें छीने, किसने प्लेट में रख के हकूक दिए? हमने हमेशा हकूक छीने हैं, हमें एक मरतबा फिर हकूक छीनने के लिए पुरअज़म है। आप सब हमारे भाई तैयार रहे, हमारी बहनें तैयार रहे। ये जो तहरीक उठी है 10 जुलाई से, इसको आप कोई आम तहरीक ना समझे, ये बहुत बड़ी तहरीक है जिसने इख्तदार के अवानों को हिला के रख दिया है। इसने आप सबको खाक नशीनों वाली लिस्ट से, खाक नशीनों वाली फहरिस्त से उठाकर उस लिस्ट में शामिल कर दिया है जहां नैब के, कौमी असम्बली के, सेनेट के और अदलिया के मुलाजमीन की तनख्वाहें, क्योंकि वो लाडले महकमे हैं, उनकी तनख्वाहें उनके खौफ की वजह से बढ़ाई जाती हैं। अब उस लिस्ट में और उस खौफ में आपका नाम भी शामिल हो चुका है, अकीका का नाम शामिल हो चुका है। अब ये जब भी तनख्वाहें बढ़ाने का सोचेंगे तो ये 100 मरतबा सोचेंगे कि जो अदीगा के प्लेटफॉर्म से तहरीक उठी है उसको नजरअंदाज नहीं करना। जितना इजाफा बाकी लाडले महकमों की मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में होगा उतना ही मुआवजा हम भी इजाफा लेंगे, उससे कम पे हम भी कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग तैयार रहे, बहुत जल्द आपको आगाह कर दिया जाएगा कि टेबल टॉक से मसाइल हल हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो हम पुरअज़म है जिहाद करने के लिए भी और बगावत करने के लिए भी। थैंक यू। मैं रुखसाना।